फ्रेंड्स, आज फिर से हम आपके लिए एक प्यारा सा डोरमेट डिजाइन लेके आए हैं। तो चलिए इसे बनाना सीखते हैं। तो पहले हम सिलाई पे नॉट लगा लेंगे और इस तरह से फंदे डाल लेंगे। तो हम इसको दो कलर में बना रहे हैं। तो 12 फंदे हमने डाल लिए हैं। अब इस हरे कलर के भी हमें 6 फंदे डालना है, ये 12 और ये 6। जो पहले का हमने 12 डाले हैं उसके आधे फंदे हमें डालना है। आप चाहे तो इसको कम ज़्यादा कर सकते हो, आपको जितना बड़ा चाहिए उतना। तो सबसे पहले हम ऐसे ही बेसिक रो उल्टी और सीधी दोनों तरफ से बेसिक रो निकाल लेते हैं। अभी हम आपको ये 12 फंदों में ही बना के दिखा रहे हैं। आप चाहे तो इसे 20 फंदों में, 22 फंदों में, 26, ऐसे आप बना सकते हो। बहुत प्यारा डिजाइन बनके तैयार हो जाता है ये फ्रेंड्स। आप इस डोरमेट डिजाइन को बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, ताकि आपको बनाने में आसानी जाए। और फ्रेंड्स, आप अगर हमारे चैनल पे नए हो या पुराने हो के भी अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि हमारा जो चैनल पे जो नए नए डिजाइन के डोरमेट हम अपलोड करते हैं वो आपके पास जल्दी आ सके। तो ऊपर ये सिलाई निकाल लेते हैं। अभी जो हम बेसिक रो निकालते हैं वही बेसिक रो है। बहुत सुंदर डिजाइन है, इसे बिगनर्स भी आराम से बना सकते हैं। धागे को पीछे करके इस साइड में जैसे को वैसे ही कलर से हमें फंदों को बुनना है। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ से हमारा डिजाइन हम शुरू करेंगे। तो हमें पहले फंदा इस तरह से बढ़ा लेना है और इस तरह से फंदे को बुनते चलना है। और लास्ट का ये जो फंदा है हमारा, इसको हम ऑरेंज से बुनेंगे। इस तरह से आगे से एक बढ़ा दिया है और ग्रीन में से जो लास्ट का है उसे ऑरेंज से बनाना है। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, हम बहुत ही अच्छे से आपको समझा रहे हैं। और पीछे से बिना बुने दो फंदे हम अभी छोड़ देंगे इस तरह से। फिर से धागे को आगे लेके और ऊपर तक सारी सिलाई अब हम बुन लेंगे। हम आपको ये 12 फंदों में बता के दिखा रहे हैं, लेकिन हमने जो बनाया है वो 16 फंदों का है, मतलब 16 और 8 ऐसे डाले हैं, इसमें 12 और 6 ऐसे डाले हैं। पीछे के साइड में जैसे को वैसा कलर, ऑरेंज को पीछे कर देंगे, ग्रीन को आगे ले लेंगे। और पहला फंदा हमें सीधा बुनना है,
ताकि हमारे किनारे की फिनिशिंग अच्छे से आ सके। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, एक रो हमने बना के दिखाई है, फिर से एक रो आपको बना के दिखा देते हैं। तो पहला फंदा हमें इस तरह से बढ़ाना है, तो हर बार हमारी ये छः फंदे बनते जाएंगे, छः और एक जो बड़ा है वो सात फंदे, और ये फंदा जो हमारा लास्ट का आता है इधर से, उसको हमें ग्रीन से ऑरेंज से बुनना है। इस तरह से ग्रीन फंदे को ऑरेंज से बुनना है। फिर से दो फंदे को बिना बुने छोड़ देना है पीछे की साइड से, पहले दो और ये दो, और धागे को आगे लेके ऊपर तक फंदों को बुन लेना है। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, आप इसे जरूर बनाइएगा। ऑरेंज कलर को पीछे दे लेंगे और ग्रीन कलर को आगे लेंगे, और बाकी के फंदे ये ग्रीन कलर के बुन लेंगे। बस इसी प्रोसेस से अब हमें इसकी छह रो बनानी है। तो बना लेते हैं ऑरेंज के सारे दो दो फंदे छूटने तक छह रो, और आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑरेंज के सारे फंदे हमारे छूट चुके हैं। वहीं से पलट के ग्रीन के फंदे को सारे बुन लेते हैं अभी। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे दो का एक फंदा करना है इस तरह से, और सारे ऊपर के हमारे छह फंदे को इसी तरह से बंद कर देना है। एक जो ग्रीन का है इसे ऑरेंज के साथ हमें अभी बुन लेना है। तो ये जो छह रो हमने आगे से बनाई है, तो उसकी वजह से हमारे ये यहाँ पे छह फंदे ऑरेंज के अभी आ गए हैं। देखिए इस तरह से, एक, ये दो, तीन, ग्रीन धागे को भी साथ में लेके चलना है, ये चार, इस तरह से ग्रीन धागे को साथ में लेके चलेंगे, ये पांच और ये छः। तो ये छः फंदे हमारे, जो छः हमने फंदे आगे से बढ़ाए थे छः रो में, तो वो छः फंदे हमने भी बुन लिए हैं। और अब यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रीन कलर से हमारे पीछे के पूरे 12 फंदे अब हम बुन लेंगे। तो यहाँ पे हमारी एक पार्ट बन के अभी तैयार है। इसी तरह से हमें पूरे डोरमेट डिजाइन को बनाना है, वो छः पीछे से
और ये हमारे 12 और ऊपर की 6। तो ये अलग डिजाइन, यहाँ पे अब कलर लग गया है अलग। अब ग्रीन से ऊपर फंदे बुन लेते हैं। हम दो कलर में बना रहे हैं। ये हमारे पूरे 12 फंदे ग्रीन से हमने बुन लिए हैं। अब ऑरेंज कलर के धागे को आगे लेके ग्रीन को पीछे और ऑरेंज से ऊपर के 6 फंदे अब हम बुन लेते हैं। इस तरह से हमारा ये पूरा डिजाइन बनके तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। बहुत सुंदर दिखता है, दिखाते हैं अभी आपको। हमने पूरा बनाया है तो हम भी अभी आपको डिजाइन को दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से हमें बनाते चलना है। तो देखिए कितना सुंदर डिजाइन बनके तैयार हो गया है फ्रेंड्स। तो थैंक यू।